जोधपुर आईआईटी में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षण संस्थानों के 25 प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा अध्यापन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने बताया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसे आवश्यक कौशल से निपुण किया जाए ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों में नेतृत्व करने के लिए योग्य बन सके। हमने आज एनईपी 2020 का 3 साल की पूर्ति उत्सव कर रहे हैं जोधपुर में, और 29 जुलाई दिल्ली में हमारे परम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका 3 साल की उद्यापन करेंगे नेशनल लेवल पर। आज का जो इवेंट इधर है ए, इसका प्रीकसर टू दैट इवेंट, and in this event we have actually discussed the various ways that NEP 2020 has influenced and changed the pattern of education. हमने एक कैजुअल स्टूडेंट का एक प्रोविजन क्रिएट किया, उससे द स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में से आ सकते हैं, हमारे कोर्स में रजिस्टर करके उन्होंने कोर्स कंप्लीट करके क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट क्रेडिट बैंक में जाएंगे। इसके साथ सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर डिग्री कर सकते हैं, उस पर एक यूनिवर्सिटी से क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र के निर्माण में कारगर सिद्ध हो रही है। एनईपी 2020 का जो मेन उद्देश्य है कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा रोजगार, स्वरोजगार, नवाचार शिक्षा पर काम हो रहा है, और इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के द्वारा जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उसमें इग्नू के द्वारा 15 लाख टीचर्स प्रोफेसर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही साथ कैरियर विकास कार्यक्रम बनाया गया है कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए, जिसका एक बड़ा उद्देश्य है कि उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ रहा है इग्नू जोधपुर। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है टीचर्स का, उसको लेकर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कैरियर विकास के द्वारा दिशा पुस्तक का निर्माण कर जो विभिन्न प्रकार के रोजगार के तरीके हैं उनको बताया जा रहा है,